अभी भोजपुरी इंडस्ट्री के चार चार बड़े सुपरस्टार हमारे साथ हैं और कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है, और ये एक्चुअल में चारों लोग जो हैं वो ब्रांड बिहार हैं, और हम ही सब मिलके जो है बिहार को बदल सकते हैं। तीन सुदामा और दो कृष्ण। जब हम लोग गलती करते हैं तो आपस में लड़ते भी हैं। खेसारी भैया के बारे में भी मैंने बकायदा वीडियो में बोला है, जब गलत किए हैं तो, और जब अच्छा करते हैं तो हम लोग जो है प्यार भी देते हैं, और ये लोग भी बहुत प्यार देते हैं हम लोगों को, चाहे ये भैया, चाहे अपना अखिलेश कश्यप भैया हो, चाहे बेदर्दी भैया हो, चाहे पवन पांडे भैया हो, सही है कि नहीं है? तो आइए हम लोग एक प्रयास किया जाए, हाथ मिलाया जाए और टांग खींचने के जगह पे हाथ खींचा जाए और बिहार को बदला जाए। कौन भैया तैयार है? हम सब मनीष भैया के साथ, खासकर अखिलेश कश्यप भैया इधर साथ में है तो बदला जाए बिहार को। सब लोग की प्रयास होनी चाहिए, पांच हाथ से नहीं, मुझे लगता है कि ये 10 करोड़ हाथ अगर एक हो जाए तो हम एक होना है, और एक होकर हमें बिहार की उन्नति के लिए बात करनी है, उन्नति के अपने भाषा के गरिमा के लिए बात करनी है, और कोशिश करना है कि बिहार में इतना रोजगार हो जाए कि दुनिया यहाँ आकर वर्क करे और काम करे और अपना घर चलाए। कुछ लोगों को मैंने रोजगार दिया, दो चार लोगों को, पांच लोगों को, 25 लोगों को, 50 लोगों को इन्होंने दिया है, इन्होंने भी बहुत सारे, पवन भैया ने भी बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया, 50 लोग और ये भी 50-60 लोगों को। ऐसे जब हम लोग हाथ पकड़ के एक दूसरे का हाथ खींचेंगे ना, तब जाके हमारा बिहार बदलेगा। टांग खींचने से बिहार सारे बिहार नहीं बदलेगा। तो बस मेरा एक ही सवाल है कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटा मालिक बन के जीवन को चला लो, ताकि हम सब एक दूसरे के लिए, दुनिया के लिए मालिक बन जाए, और ये जो हम दुनिया के यहाँ नौकरी करते हैं उससे अच्छा है कि हम अपना रोजगार करें, ताकि हमारा 10 भाई मालिक बनकर अपने जीवन। चलिए बिहार को बदलते हैं। जय हिंद।